चालसा में पलटी गाड़ी, 30 बगान श्रमिक हुए घायल, 5 की स्थिति गंभीर। नमस्कार दर्शक बिन, आप देख रहे जयगांव मेरा में सपना छेत्री आपके साथ। चिया श्रमिक आज जब चिया बगान में काम करने जा रहे थे, उसी समय उनकी छोटी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 40 में से करीब 30 चिया श्रमिक घायल हो गए। हादसा चालसा इलाके में हुई। घायलों को चालसा के मंगलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में लाया गया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें माल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये घटना शुक्रवार सुबह चालसा मिटली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालसा PW बंगाल के पास हुई। मालूम हो कि मिटली ब्लॉक के सिंगाची चाय बगान से करीब 40 ठेकेदार मजदूर एक छोटी मालवाहन गाड़ी में सवार होकर काम के लिए चिल्ली चाय बगान जा रहे थे। रास्ते में उस इलाके में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर मिटली थाने की पुलिस आई और गाड़ी को बरामद कर लिया। इस दुर्घटना में मिटली पुलिस की भूमिका पर स्वाभाविक रूप से विभिन्न हलकों पर सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। আচ্ছা আচ্ছা, তো কি নিয়ে যাচ্ছিলেন? পাতিলেবার কোথায়? কতজন ছিল গাড়িতে? 45 জন ছিল। কোন জায়গাটা এটা? কি ঘটনাটা ঘটে কোন জায়গায় আমি জানি না। আচ্ছা, তো এমনি কি কতজনের কি চোট কিরকম লাগছে? ওরা জানে কতজন লাগছে, নিয়ে গেছে হসপিটাল। হসপিটাল নিয়ে গেছে। কতজনকে নিয়ে যাচ্ছিলেন? আর কতজন? 15 জন তো নিয়ে যাচ্ছে। কতজন ছিল? কতজন নিয়ে গেছে? আমি ইঞ্জুর বেশি কেউ হয় নাই? আপনি কে? গাড়ির চালক? ড্রাইভার। আপনার নাম? সঞ্জীব। কি হুজুর, আজ মানে মেটিলি সে চালসা আসে বক্ত মানে দেখা কি যে চালসা বটগাছ হ্যাঁ ওহা পে এক পিকআপ ভ্যান উল্টা হুয়া হ্যায় আর শ্রমিক লোক ওহা পে এক্সিডেন্ট হুয়া হ্যায় আর শ্রমিক লোক 5 থেকে 6 শ্রমিক শায়দ ঘায়েল হুয়ে হ্যায়। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग मेटली वासी हमेशा देखते हैं कि पिकअप भेन में जो श्रमिक लोग को भेड़ बकरी जैसे ठूस ठूस के चाय बगान में काम के लिए ले जाया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो एक श्रमिक है, क्या उसका जो प्राण है उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है? उनका प्राण का भी एक वैल्यू है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए श्रमिक को जो ले जाया जाता है तो उनको एक कंफर्टेबल थोड़ा ऐसे करके इसे ले जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे चाइल्ड लेबर को भी इस तरह के पिकअप में ले जाया जाता है। तो पुलिस प्रशासन नहीं देख रहा है ये सब चीज़? नहीं, मैं यही बोलूंगी, मेरा पुलिस प्रशासन से अभी तक देखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक्सीडेंट हुआ है, 5 से 6 लोग घायल भी हुए हैं और बहुत सारा तो इंजर है अभी भी। हाँ, इंजर हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इस पर नजर दे, पिकअप वैन में इस तरह से श्रमिक को ठूस के ले जाने का कोई तो एक दायरा होगा, उस दायरे में ले जाए। और जो चाइल्ड लेबर है, अगर उसमें से जांच किया जाए कि कोई चाइल्ड लेबर को ले जाया जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ पे जरूर से जरूर काम कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। नहीं, उधर छोटा छोटा बच्ची लोग को भी देखा गया है बहुत सारा, तो क्या बोलेंगे आप? मैं यही, मेरे पास खबर है, हम लोग सुनने में आया है कि उसमें छोटे छोटे चाइल्ड लेबर को भी ले जाया जाता है, तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा नज़रदारी देने की जरूरत है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा नज़रदारी दे इस विषय को। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मेनुका साहब प्रधान, डुअर्स नारी संगठन फाउंडर प्रेसिडेंट। आ रहे थे तब वो जो टर्निंग नहीं थी चल सका, वहाँ से मतलब दो गाड़ी आ रहा था, तब वो भाई जो ड्राइवर था ना वो इधर से जा रहा था, उस समय गाड़ी पलट गया। कहाँ से आप लोग जा रहे थे? हम लोग संगच्छी से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? चिलोनी बगान। चिलोनी बगान क्या काम करने? ठीक है काम। हाँ, तो अच्छा, ये जी ऐसे करके रोज ये जो आप लोगों को लेके जाता है, ये जो इतना रिक्स लेके, गाड़ी में कितना जन था? हम लोग गाड़ी में 29 जन था। 29 जन था। कितना जन इंजर हुआ है अभी? तो बहुत ज्यादा ही तो हुआ है। एक जन का केवल वो सर में लगा है और कोई हाथ पैर में क्या क्या लगा है। अच्छा, अभी कितना जन को माल बाजार में लेके गया थे? ऐसे 4 के 5 जन को माल बाजार में लेके गया। तो ऐसे करके रोज जाते हैं आप लोग बगान में? नहीं, हम लोग आज फर्स्ट जा रहे थे काम। अच्छा अच्छा, आपका नाम? निक्की। निक्की क्या? निक्की साबा। कहाँ, घर कहाँ है आपका? संगची माल लाई।